नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTC द्वारा संचालित ताप्ती मिल के 850 श्रमिकों को कोरोना काल के समय से रुका हुआ वेतन जारी किया गया है। ये वेतन मई 2020 से दिसंबर 2021 तक का मिला है। 28 माह का वेतन बाद में मिलेगा। इस लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिल्ली जाकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर समस्या रखी थी, साथ ही लोकसभा में भी मामला उठाया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिल्ली में हुई बैठक में NTC मिलों का कोरोना काल का मई 2020 दिसंबर 2021 तक का रुका हुआ आधा वेतन देने का निर्णय लेकर शुक्रवार को मुंबई में आयोजित श्रमिकों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा मुंबई में श्रमिकों के दो दो प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके बीच चेक वितरित किए गए। इससे श्रमिकों में हर्ष व्याप्त है। शनिवार को ताप्ती मिल की ओर से श्रमिकों और पार्षद आशीष शुक्ला ने मीडिया से चर्चा कर ये जानकारी दी। ताप्ती मिल के मजदूरों को माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा NTC के कार्यक्रम में बॉम्बे में जो कोरोना काल के बाद मजदूरों को 50% वेतन मिल रहा था और 50% जो उनका वेतन शेष था, जो उनका हक था, और उसी के बारे में 20 महीने का भुगतान अभी सभी भारत की 138 मिलें जिसमें से कार्यरत 23 मिलें जो चालू है उनके श्रमिकों को कल रानपुर के ताप्ती मिल में कार्यरत 750-850 के लगभग मजदूर है और इनको उस घोषणा का पूर्ण लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें जो इसका निर्धारण है वो उनकी उपस्थिति के अनुसार जो वेतन मिल रहा था उसका 20 महीने का वेतन का भुगतान इनको किया जाएगा, जो कि सबके अलग अलग उपस्थिति है इसका निर्धारण करने के उपरांत जिसका जो राशि प्रदान की जाएगी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यूनियनों ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन साथ ही साथ नव नियुक्त ज्ञानेश्वर पाटिल जी जब सांसद जी बने थे तब उन्होंने भी बहुत सराहनीय इसके लिए काम किया था। CMD साहब और माननीय कपड़ा मंत्री जी से इनका निरंतर संपर्क रहा और जिसका ये परिणाम है कि विधायक जी ने भी जब विधायक बनने के बाद आदरणीय अर्चना दीदी और ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो हमारे सांसद महोदय, इन्होंने सामूहिक जो प्रयास किया उसका ये परिणाम आया है। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।